सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। आप अपनी लगन व मेहनत से अपनी मंजिल तक पहुँचें। आज मैं लेकर आया हूँ 40% जो टॉप मोस्ट है और सभी कंपटीशन परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने वाले भी हैं। PTET का एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी ज़रूर पढ़ें, जो अभी एक महीने बाद एग्ज़ाम होने वाला है। और सभी विद्यार्थियों से मेरा नम्र निवेदन है कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके अन्य भाई बहनों के पास ये पहुँचें और वो भी पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? उत्तर है बेणेश्वर मेले को। क्वेश्चन नंबर दो है, बेणेश्वर मेला किन नदियों के संगम पर भरा जाता है? उत्तर है सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीन, बिलों के घरों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है टापरा या कू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर चार, आदिवासी महिलाओं की लोकप्रिय ओढ़नी का क्या नाम है? खासकर भील महिलाएं ओढ़ती हैं, तो उस ओढ़नी का नाम है तारा बांध की ओढ़नी। क्वेश्चन नंबर पाँच, बेणेश्वर का मेला कब भरा जाता है? इसका उत्तर है माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर का मेला भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर छः, आदिवासियों में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? उत्तर है दापा। क्वेश्चन नंबर सात, कुटकुड़िया, जामट्टिया और रायबुड़िया किस लोकनाट्य के प्रसिद्ध पात्र है? उत्तर है गौरी या राय नाट्य। क्वेश्चन नंबर आठ, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है? उत्तर है गौरी या राय लोकनाट्य सबसे पुराना लोकनाट्य है। क्वेश्चन नौ, भीलों का कौन सा नृत्य है? ए वालर नृत्य, बी कूद नृत्य, सी रणबाजा नृत्य, डी गैर नृत्य। आपका उत्तर है गैर नृत्य। क्वेश्चन नंबर दस, हमसीडो क्या है? उत्तर बिलू का प्रसिद्ध लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर 11, केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत है? ए गुड़ला, बी पंचीड़ा, सी लांगूरिया, डी बिछुड़ो। तो आपका सही उत्तर है सी लांगूरिया। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से तत्वाद्य कौन सा है? जो वाद्य तार होते हैं, जो वाद्य में तार होते हैं वो तत्वाद्य होता है। तो ए सारंगी, बी मशक, सी मांदल, डी झांझ। तो आपका सही उत्तर है ए सारंगी। राजस्थान का राज्य नृत्य है? उत्तर है घूमर। क्वेश्चन नंबर 14, गोरबंद क्या है? ऊंट के गले का एक आभूषण है और शेखावाटी का एक लोकगीत भी है। क्वेश्चन नंबर 15, मथेरना किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? उत्तर है बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे लोकप्रिय पड़ किस देवता की है? उत्तर है बाबूजी की। क्वेश्चन नंबर 17, सांझी की माता किसे माना जाता है? उत्तर है ए संतोषी माता को, बी सीता माता को, सी पार्वती माता को, डी लक्ष्मी माता को। तो आपका सही उत्तर है सी पार्वती माता को। क्वेश्चन नंबर 18, कावड़ के लिए असत्य है? नंबर एक, कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है, बिल्कुल सही। इसमें कई द्वार बने होते हैं, बिल्कुल सही। यह एक मंदिर नुमा लकड़ी की आकृति है, यह भी बिल्कुल सही है। यह एक प्रकार का खिलौना है, यह चार नंबर गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, कागज़ पर निर्मित चित्र कौन सा है?
एक पानी, दो कावड़, तीन सांझी, चार पड़। सही उत्तर है पाने। क्वेश्चन नंबर 20, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? उत्तर गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 21, नारियल पूर्णिमा किसे कहते हैं? उत्तर श्रावण पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर 22, किस त्यौहार पर समी वृक्ष की पूजा की जाती है और लीलटांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है? उत्तर है दशहरा पर। क्वेश्चन नंबर 23, गलियाकोट का उर्स किस जिले में भरा जाता है? डूंगरपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 24, तारकिन का उर्स किस जिले में भरता है? उत्तर है नागौर। क्वेश्चन नंबर 25, शीतला माता का मेला कहाँ भरता है? उत्तर है चाकसू जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 26, पीपल पूर्णिमा कब मनाई जाती है? वैसाख की पूर्णिमा को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, कजली तीज मनाई जाती है? उत्तर एक कोटा, दो जयपुर, तीन अलवर, चार बूंदी। सही उत्तर है बूंदी। क्वेश्चन नंबर 28, नाथद्वारा में अन्नकूट मेला आयोजित किया जाता है? कार्तिक शुक्ला एकम, कार्तिक शुक्ला तृतीया, कार्तिक कृष्णा एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा। सही उत्तर है कार्तिक शुक्ला एकम। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से असंगत है? एक महावीर जी का मेला करौली, बिल्कुल सही। दो कजली तीज मेला बूंदी, बिल्कुल सही। तीन चंद्रभागा मेला झालावाड़, सही। बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा, ये गलत है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में भरा जाता है। सही उत्तर होगा बेणेश्वर का मेला। क्वेश्चन नंबर 30, सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है? उत्तर है सीताबाड़ी का मेला। क्वेश्चन नंबर 31, कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? उत्तर है बिनाय, अजमेर की। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान के किस जिले में भरा जाता है? उत्तर जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में। क्वेश्चन नंबर 33, कपिल मुनि का मेला कब भरा जाता है? उत्तर कार्तिक पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर 34, मानगढ़ धाम का मेला किस जिले में भरा जाता है? उत्तर बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 35, आमेर के जगन्नाथ कछवा की समाधि पर बनी 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? उत्तर है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 36, बीवी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर है धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 37, रामनगर किसका प्राचीन नाम था? उत्तर श्री गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 38, मुंशाला महावीर किस जिले में स्थित है? उत्तर है पाली जिले में। क्वेश्चन नंबर 39, संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? उत्तर है गागरौन का दुर्ग झालावाड़ में। अंतिम और लास्ट प्रश्न है, गुड़िया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि पहले से आपको कितने प्रश्न आते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। और प्रश्नों में लिखने में या उत्तर में कोई गलती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, गलती सुधार करने की कोशिश करेंगे, ज़रूर ज़रूर बताना। उत्तर है जयपुर ज़िले में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगे, प्रश्न कैसे लगे, और हम आपके लिए वीडियो लेते आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय गौ माता।